रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाकवि कालिदास, महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के उपरांत सायंकाल में आश्रम वासियों द्वारा क्या गतिविधियां की जा रही हैं उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुनि कन्याओं के पक्षियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए वृक्षों की सिंचन करने के तुरंत बाद वे वहां से दूर हट जाया करती थीं। इसी बात को कहते हैं से कांते मुनिकन्या भिस्तत क्षणो झित वृक्ष कम विश्वासाय विहंगा नाम आलवाला अम्बुपाई नाम। मुनिकन्याएं मुनिकन्या भी मुनिकन्या मुनिपुत्रियों द्वारा से कांते जो सिंचन क्रिया के अंत में आलवाला अम्बुपाई नाम थालों के जल को पीने वाले विहंगा नाम पक्षियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए तत्क्षणोजित वृक्षकम वृक्षों की सिंचन क्रिया करने के तुरंत उपरांत उनको छोड़ दिया जाता था, जिससे पक्षी विश्वस्त होके उसका पान कर सके। इसी क्रम में आगे कहते हैं कि और क्या गतिविधियां उस आश्रम वासियों के द्वारा आश्रम में की जा रही हैं जो महाराजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के द्वारा देखी गई। तो कहते हैं मुनि पुत्रियों के द्वारा सायंकाल में पर्णकुटी के आंगन में निवार के धान को एकत्रित कर दिया गया है और वहाँ मृग बैठे हुए जुगाली कर रहे हैं। इसको कहते हैं आतपात्याय संक्षिप्त निवारासु निषाधि मृगय वर्तित रोमंत मुडज आंगन भूमिषु आतपात्याय सायंकाल में धूप के समाप्त हो जाने पर उडज आंगन भूमिषु पर्णकुटी के आंगन में निवार के धान को एकत्रित कर देने पर कर दिया गया था और निषादि भी मृगई बैठे हुए मृगों द्वारा जुगाली कर रहे थे। बैठे हुए मृग वहां पे जुगाली कर रहे थे, पगुरी कर रहे थे और कहते हैं आगे कि आश्रम में क्या गतिविधियां हैं। तो उसको कहते हैं यज्ञाग्नि से सुगंधित धुएं से आश्रम की ओर आने वाले जो अतिथिगण हैं वे पवित्र किए जा रहे थे, यानी आश्रम में आश्रम वासियों के द्वारा यज्ञ आदि संपादित किए जा रहे थे। इसको कहते हैं अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैर अतिथिनाश्रमो मुखान पूमान पवनोद्धुतैर धूम आहुति गंधि भी। अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैर प्रज्वलित अग्नि के सूचक को सूचित करने वाला और हव्य आहुति गंधि भी हव्य पदार्थों की आहुतियों से सुगंधित धुआं
पवनोद्धुतैः, पवन के द्वारा इधर उधर फैलाया जाता हुआ आश्रम की ओर आने वाले अतिथियों का को पवित्र कर रहा था, उनको पवित्र कर रहा था।